पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, साइबर अपराधियों का किया पर्दाफाश, एक युवती समेत चार लोग गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। जिले की साइबर सेल और हापुड़ नगर पुलिस ने लोन देने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर अपराध गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्यों ने विभिन्न राज्यों में अपना जाल बिछाया हुआ था। इन लोगों ने हजारों लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। उनके खातों में करीब 24 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है। इस गिरोह की एक युवती समेत चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह के सदस्य टाटा कैपिटल मुद्रा योजना के अंतर्गत सस्ते ब्याज दरों पर लोन देने के नाम पर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दरअसल नगर कोतवाली इलाके के ब्रह्मनाथ निवासी बाल कृष्ण अग्रवाल ने 6 अक्टूबर को नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि साइबर ठगों ने धोखाधड़ी से लोन देने के नाम पर फर्जी कूटरचित रसीद भेजकर उनके और उनकी पुत्री के साथ 10,650 रुपए की ठगी की है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए SP अभिषेक वर्मा ने इस वारदात का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में हापुड़ SP का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वह लोग टाटा कैपिटल मुद्रा योजना के अंतर्गत सस्ते ब्याज दर मुद्रा लोन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पर जगह जगह पैम्पलेट लगाकर और पोस्टर के माध्यम से फर्जी नंबरों के साथ विज्ञापन देते हैं। जिस व्यक्ति को लोन की आवश्यकता होती है वह विज्ञापन में दिए गए मोबाइल नंबरों पर कॉल करता है। इस दौरान हम लोग कॉल करने वाले व्यक्ति को अपने नाम पते की पहचान छुपाते हुए टाटा कैपिटल कंपनी मुद्रा योजना फाइनेंस के मैनेजर और कर्मचारी बताकर ज़रूरतमंद लोगों को अपनी बातों में फंसाकर मुद्रा योजना में लोन देने के नाम पर उनके आधार व पैन व्हाट्सएप पर मांगकर और जो लोग आधार व पैन नहीं देना चाहते उनके नाम पते की जानकारी लेकर लोन की प्रोसेसिंग फीस फर्जी खातों में जमा कराकर विश्वास में लेने के लिए लैपटॉप पर टाटा कैपिटल मुद्रा योजना फाइनेंस के नाम से फर्जी कूट रसित रसीद तैयार लोन मांगने वाले व्यक्ति को व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। इसके बाद लोन के इंश्योरेंस का कवर देने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाती थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह लोग भोले भाले लोगों को झांसों में फंसाकर उनके खातों की चेकबुक, पासबुक और डेबिट कार्ड व उसके नाम पते पर सिम एक्टिवेट कराकर लोन के नाम पर पैसों का लेन देन किया करते थे। इस प्रकार वह लोग देश भर में हजारों लोगों के साथ ऐसी घटनाओं कर लाखों रुपए की ठगी करते हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म के साइबर अपराधी हैं जिनका आपराधिक इतिहास के बारे में अन्य जनपदों में जानकारी ली जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 17 मोबाइल फ़ोन, विभिन्न बैंकों के 32 ATM, 2 लैपटॉप्स, 8,700 रुपये, 10 चेकबुक, 6 पासबुक व रसीद इत्यादि बरामद की हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है हापुड़ SP अभिषेक वर्मा का। देखिए, हमारे साइबर सेल के पास एक कंप्लेंट आई थी जिसमें वादी ने ये बताया था कि उनके साथ लोन लेने के नाम पे फ्रॉड किया गया है। उनको बताया गया था कि आपको सस्ते दर पे टाटा कैपिटल का मुद्रा लोन मुहैया करा दिया जाएगा, उसके एवज में उनसे 18,000 रुपये हड़पे गए थे। और जब लोन नहीं मिला उनको और उन्होंने बार बार जिस नंबर पे कॉल करके लोन मांगा था उन्होंने जवाब देना उनका बंद कर दिया, तो उनको लगा कुछ संदिग्ध है प्रकरण, और उस प्रकरण को लेकर के उन्होंने थाना कोतवाली नगर में एक अभियोग पंजीकृत कराया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम और थाना कोतवाली नगर की पुलिस ने लगातार प्रयास जारी रखा। इसी के क्रम में एक बहुत बड़ा गैंग इसमें वर्कआउट किया है हमारी साइबर सेल हापुड़ की टीम ने, जिसमें चार लोग हैं जिसमें एक महिला भी शामिल है। इन सबको अरेस्ट किया गया है दिल्ली से और इनके पास से लगभग 17 मोबाइल, 32 ATM कार्ड, 2 लैपटॉप, कुछ पैसे, चेकबुक, पासबुक, भारी मात्रा में ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इनसे पूछताछ की गई तो पता चला है कि ये जो धारणा शर्मा नाम की एक महिला है जो इनके साथ रहती है वो कॉलर की भूमिका में रहती है और सबको कॉल करके सस्ते दाम पे लोन मुहैया कराना या फिर जॉब को लेकर के पैसे हड़पने का काम करती हैं। ये लोग अलग अलग पब्लिक प्लेसेस में जाके बड़े बड़े पोस्टर चस्पा करते हैं जिस पे ये लोन देने के नाम पे अपना मोबाइल नंबर लिख के देते हैं या फिर जॉब लगवाने के नाम पे अपना मोबाइल नंबर नीचे लिख करके देते हैं और लोग इनको कॉल करते हैं, इनसे
लोन या फिर जॉब के लिए अप्लाई करवाते हैं। ये धारणा जो लेडी है वो कॉलर बन के बात करती है, वो कहती है कि आप अपना रेज्यूमे भेज दीजिए, अपनी एप्लीकेशन भेज दीजिए, हम अपने मैनेजर से बात करके इसको वेरीफाई करेंगे। इसी में एक लड़का है आसिफ नाम का, वो मैनेजर बन जाता है और वो कहता है हाँ आपकी एप्लीकेशन ठीक है, हम आपको नौकरी पर रख सकते हैं, और उनको एक नकली अपॉइंटमेंट लेटर, अलग अलग तरीक़ों के अपॉइंटमेंट लेटर वो उनको दे देते हैं। लेकिन जब वो उस कंपनी में संपर्क करते हैं तो उनको पता चलता है कि इस नाम की कोई भी जॉब ना उन कंपनी ने एडवर्टाइज़ करी थी ना उनको कंपनी ने रखा है, और इस तरीके से लगभग इन्होंने 25 लाख रुपए अब तक जो टोटल फ्रॉड इनके अमाउंट में आ रहा है, इनके बैंक अकाउंट डिटेल्स में, वो लगभग 25 लाख रुपए का है। और NCERP पोर्टल पे चेक करने पे लगभग 45-50 ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो इनके खिलाफ यहाँ पर लिखी हुई हैं। हमारे साइबर सेल की टीम ने इनके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके गैंग के बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है, और भी जो व्यक्ति इसमें प्रकाश में आते हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा।